What's up, everyone? Welcome to the 9th episode of the Inspirational Web Series, You Versus You with me, Sajan Shah. 9th episode, a 9th surprise. ऐसे मैं कहता हूँ, just do it with what you have. दोस्तों, 10 साल की मेरी experience of being a motivational speaker and youth activist, मुझे एक चीज़ बहुत ही clearly जानने के लिए मिली है, उन लोगों के लिए जो लोग life के अंदर एक success seeker है, जो जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं. And that beautiful learning is that, कि never ever keep your focus on what you don't have. Instead, keep your focus on what you are doing with what you have. जिंदगी में कभी भी ये focus मत रखो कि आपके पास क्या नहीं है. Instead, ये focus रखो कि आपके पास जो है उसे आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो. अगर ये focus रखा कि आपके पास क्या नहीं है, सिर्फ excuses निकालोगे. लेकिन yes, अगर ये focus रखा कि आपके पास जो है उसे आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, 101% roots निकलेगा, solution निकलेगा. The best example for it is Rajnikanth. उनकी जर्नी के अंदर ऐसा कहा जाता है कि वो एक बस कंडक्टर थे. उन्होंने कभी भी ये फोकस नहीं रखा कि उनके पास क्या नहीं है. उन्होंने हमेशा यही फोकस रखा कि उनके पास जो है उसे वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सुपरस्टार. शाहरुख खान, ही नेवर फोकस उनके पास क्या नहीं है. अगर ये फोकस रखते तो माइट बी जब उन्होंने स्टार्ट किया अपना करियर एक सर्कस सीरियल से, तो वहीं के वहीं रहते. ही नेवर फोकस उनके पास क्या नहीं है. उन्होंने हमेशा यही फोकस रखा कि उनके पास जो है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. टुडे ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्टार ऑफ बॉलीवुड. ये फोकस मत रखो कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्या नहीं दिया है. इंस्टेड ये फोकस रखो कि उन्होंने आपको जो दिया है उसे आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो. अगर फोकस चेंज करोगे, डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगे. डायरेक्शंस चेंज करोगे, एक्शन प्लान चेंज हो जाएंगे. एक्शन प्लान चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली रिजल्ट चेंज हो जाएंगे. देखो, एक है पास्ट जो खत्म हो चुका है, दूसरा है प्रेजेंट जो हो रहा है, और तीसरा है फ्यूचर जो होने वाला है. पास्ट पर फोकस रखोगे, अफसोस होगा. फ्यूचर पर फोकस रखोगे, विजुअलाइजेशन माइट बी फ्यूचर फोरकास्टिंग के अंदर अपना लाइफ खत्म कर दोगे. लेकिन प्रेजेंट पर फोकस करोगे, आज पर फोकस करोगे, जो 24 आवर्स आप लोगों को मिले उस पर फोकस करोगे, उसको बेस्ट बनाने में फोकस करोगे, तो 100% फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा. लेकिन उसके लिए सबसे पहले फोकस शिफ्ट करना जरूरी है. अपना फोकस व्हाट यू डोंट हैव से शिफ्ट करके व्हाट यू आर डूइंग विद व्हाट यू हैव पर रखना जरूरी है. अगर इतना भी स्टार्ट किया, योर थ्रू. आज के इस एपिसोड का जो चैलेंज है ना, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है. बिकॉज आज मैं जो बताने वाला हूँ उसको करने के लिए इधर से बहुत करेज चाहिए होगा. अंडरस्टैंड वन थिंग, हर एक स्टेट और हर एक सिटी के अंदर कई सारे ब्लाइंड एंड डेफ एसोसिएशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं. मतलब हर एक शहर के अंदर कोई ना कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग बोल नहीं सकते, जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, उनके लिए पूरा ये इंस्टीट्यूट बनाया जाता है. आज के दिन के अंदर मिनिमम 20 मिनट्स का टाइम इन्वेस्ट करो. 20 मिनट वहाँ पर जाओ और उन लोगों के साथ बैठो, उनको देखो, उनको ऑब्जर्व करो, उनके साथ बात करो, उनको पूछो जो पूछना है. और ये 20 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद आपने आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछो कि अगर ये लोग ज़िंदगी के ऐसे मोड़ के अंदर भी अगर खुश रह सकते हैं, ज़िंदगी जीने की उम्मीद रख सकते हैं और अपने चेहरे पर स्माइल रख सकते हैं, अपने आप से सिर्फ एक ही चीज़ पूछो, हमारे पास बहुत कुछ है तो क्या हम खुश नहीं रह सकते. जो आंसर आएगा वो आंसर आपको बहुत कुछ सिखा देगा. ये रियलाइजेशन होना बहुत ज़रा ज़रूरी, बिकॉज हमें तो हमारी जितनी भी सेंसेस है वो भी परफेक्ट काम करती हुई मिली है. तो एक एवरेज लाइफ चूज करना, दैट्स नॉट योर ऑप्शन. हम आए हैं तो आज अभी इधर से इसी वक्त से डिसाइड करने के लिए आए हैं कि आज के बाद एक ऐसी ज़िंदगी जिएंगे जो हज़ारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने. और वो हो सकता है, बस फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है. और ये 20 मिनट अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ मत करना. ये मत सोचना क्योंकि 20 मिनट के बाद आपको कहाँ पर जाना है. 20 मिनट कंप्लीट डिवोशन उन लोगों को दे देना. एंड ट्रस्ट मी, एक नई उम्मीद, एक नया होप आपको आपकी लाइफ के लिए मिल जाएगा. चेरिल नोडायक हमेशा से एक चीज़ कहते थे, समटाइम्स चेंज इजंट स्टार्टिंग ओवर, इट इज़ जस्ट कंटिन्यूइंग ऑन इन टू अ न्यू चैप्टर. अगर इतना भी समझ लिया, यूर थ्रू विथ एवरीथिंग. आज के इस एपिसोड का नाउ कम्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पार्ट, रियल लाइफ एग्जाम्पल जिसकी आप वेट कर रहे थे. आज मैं जिस इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ, वो इंसान बहुत अमेजिंग है. वो मेरी लाइफ के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है. और आज वही एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. मैं जिस इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ, उस इंसान का नाम है स्टीफन हॉकिंग्स, वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट. स्टीफन हॉकिंग्स जब यंग थे तो उनको स्कूल जाना थोड़ा कम पसंद था. वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते थे, जस्ट बिकॉज स्कूल का जो कन्वेंशनल तरीका था पढ़ाने का उनको पसंद नहीं आता था. सिर्फ 16 साल की उम्र में वो अपने मैथमेटिक्स टीचर की मदद से एक टेलीफोन और एक वॉच को यूज़ करके एक पूरा कंप्यूटर डिज़ाइन कर दिए थे.
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, पढ़ाई करना स्टार्ट किया, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जब फाइनल ईयर के अंदर उनके टीचर्स जब उनका इंटरव्यू ले रहे थे ना, तो उनके टीचर्स को भी एक मोमेंट पर ऐसा लगा था कि ये हमसे भी ज़्यादा जीनियस है। गेस फॉर अ मोमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उनकी प्रोफेसर्स जब इनके इंटरव्यू ले रहे थे, वो खुद ऐसा मानते थे कि ये हमसे भी जीनियस है। अनफॉर्चुनेटली 21 साल की एज में उनको एक डिजीज डिटेक्ट हुआ, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिस डिजीज के तहत डॉक्टर ने से कह दिया कि स्टीफन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 साल जी सकते हैं। एंड टर्न बाय टर्न उनके बॉडी के जितने भी पार्ट्स थे वो बंद होना स्टार्ट हो गए, पैर बंद हो गए, हाथ बंद हो गया, वॉइस तक बंद हो गया। इनिशियल बेसिस पर सिर्फ आईब्रोज और कुछ फेस के मसल्स काम करते थे, लेकिन कुछ सालों के बाद वो भी बंद होना स्टार्ट हो गया। लेकिन वो लड़ते रहे अपने पैशन के लिए, दुनिया को कुछ देने के पर्पस के लिए, हार नहीं मानी। जब वो 75 के हुए तब सिर्फ उनका चिक मसल चल रहा था, और वो भी राइट साइड का चिक मसल, लेकिन अंदर से एक फील था, एक डिवोशन था कि लोगों को कुछ देना है, और ज़्यादा मेहनत करनी है, और ज़्यादा दुनिया को देना है। तो वो क्या करते थे कि उनके चिक के एग्जैक्ट सामने एक इंफ्रारेड सेंसर लगा के रखते थे, जो सेंसर उनके वो जो चिक मसल जो चल रहा है ना उससे अटैच होता था, और एग्जैक्टली उसके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन होता था जहाँ पर ABCD से लेकर Z तक सारे के सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए होते थे, और उसके ऊपर एक सेंसर था जो कंटिन्यूसली एक लेटर से दूसरे लेटर, दूसरे लेटर से तीसरे लेटर पर मूव ऑन होता रहता था। अब लेट्स से स्टीफन अगर कोई भी चीज़ कहना चाहते हैं तो वो कंटिन्यूसली कर्सर तो मूव हो ही रहा है, तो वो जब भी कोई भी वर्ड कहना चाहते हैं तो वो लेटर जैसे ही उस पर आता है तो वो अपना चिक मसल यूज़ करते समथिंग लाइक दैट, और वहाँ से इन्फ्रारेड सेंसर जो होता था उसे डिटेक्ट करता, और वहाँ से वो लेटर टाइप होता। सबसे पहले लेटर टाइप होता, लेटर से वर्ड टाइप होता, और वर्ड से पूरा सेंटेंस बनता। ऐसी सिचुएशन से वो लोगों को चीज़ें कन्वे करते थे, और लोगों को चीज़ें समझाते थे, और खुद के रिसर्च भी लिखते थे। एक मोमेंट के लिए अपने आप को ऐसी सिचुएशन के अंदर रखो और अपने आप को पूछो कि उनकी जगह पर आप होते तो आप क्या करते, शायद गिव अप कर देते। लेकिन उन्होंने ऐसे फेज के अंदर भी 4 किताब लिखी, राइट, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द ग्रैंड डिजाइन, ब्लैक होल, और ये सारी की सारी किताबें न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर्स थी। स्टीफन हॉकिंस हम सभी लोगों के लिए एक रियल टाइम इंस्पिरेशन थे, और उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया, इफ यू हैव विलिंग हार्ट एनीथिंग इज पॉसिबल। सो दोस्तों, वेट मत करना, आज से ही स्टार्ट करना, 20 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करना, जो मिला है उस पर फोकस करना, और वो रियलाइजेशन से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना। नॉट फॉर मी बट फॉर दिस एग्जाम्पल ऑफ स्टीफन हॉकिंस, बिकॉज अगर वो कर सकते हैं, मैं एक चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि हमारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स और एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा छोटे हैं उनके प्रॉब्लम्स से। अगर उन्होंने दुनिया को इतना सब कुछ दिया तो हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम आए हैं और इधर से जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो 100% दे के ही जाना है। सो वेट मत करना, आज से ही स्टार्ट करना, और अपना ये एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। जल्द मिलते हैं episode 10th के साथ, कुछ नए लर्निंग्स, कुछ नए एग्जाम्पल, कुछ नए चैलेंजेस के साथ। तब तक के लिए आओ जो, अलविदा, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, गुड बाय एंड जय हिंद।